हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन बहुत सारी खुशियों के साथ एक बहुत सी यमी टेस्टी सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म यमी टेस्टी ब्राउनी आज न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। ये देखिए कितनी टेम्प्टिंग, कितनी टेस्टी बनी है ये। आप इसे अपने हिसाब से डेकोरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी चेरी भी डाली है, बहुत ही गजब की बनी थी। अब हाँ, ब्राउनी बनाते समय आपको ख़ास ध्यान रखना है एक गुड क्वालिटी चॉकलेट लेने का, इसी से उसका पूरा टेस्ट निकल के आता है। तो अब यहाँ पर मैंने ये कैडबरी की कुकिंग चॉकलेट ली है, ये आपको आसानी से मिल जाएगी मार्केट में, और अगर नहीं मिलती है तो ऑनलाइन तो मिल ही जाएगी। तो अब यहाँ मैंने क्या किया है, एक कटोरी मिल्क में इस चॉकलेट को मेल्ट किया है। एक पैन चढ़ा दीजिए और हल्का हल्का इसे मेल्ट होने दीजिए, बहुत कम आँच पे चढ़ा दीजिएगा। दूध जैसे जैसे गर्म होगा आपकी चॉकलेट आराम से मेल्ट हो जाएगी। अब उसी कटोरी से हमने एक कटोरी शक्कर ले ली है, अब इसे भी थोड़ा सा मेल्ट हो जाने दीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट से ये सब प्रोसेस हो जाती है, मुश्किल से 2-3 मिनट में सब कुछ अच्छे से कंबाइंड हो जाता है। अब हम सेम कटोरी से 2 कटोरी मैदा लेंगे और हाफ कटोरी मैंने यहाँ पे ओट्स लिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा आपकी ब्राउनी में और ये एक सेम टाइम पे हेल्दी भी हो जाती है। फिर सिर्फ 1 चुटकी नमक डालेंगे और साथ में ही 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब बढ़िया से नट्स को चॉप कर लीजिए और इसमें मिला लीजिए। यहाँ पर मैंने आलमंड और वॉलनट लिए हैं, आप कोई एक नट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हम कोको पाउडर लेंगे, ये करीब 1/4 है उस कटोरी से जिससे हमने सारा मेजरमेंट किया है। और बस अब इन सबको बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। इस ड्राई मिक्स को हमने जो चॉकलेट सिरप बनाया था उसमें मिक्स करेंगे। अब यहीं पर भी हम ऑयल भी ऐड करेंगे इसे मिक्स करते समय, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइंड हो जाएगी। सेम कप से मेजर करके आपको 1/2 कटोरी ऑयल डालना है। अब बढ़िया से हमने 2 बार में सबको मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैंने ऑयल भी डाल लिया है, और सबको अच्छे से कंबाइंड कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको ओवर मिक्स नहीं करना है, इतना मिक्स करना है कि सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइंड हो जाए। बस यहाँ पर हम वेनिला एसेंस डाल सकते हैं या फिर चॉकलेट का एसेंस भी आता है वो भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शनल है। ये चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि जब आप बहुत अच्छे अमाउंट का चॉकलेट यूज़ करते हैं तो उसका अपना ही एक स्मेल, फ्रेग्रेंस, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आपको कभी कभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़िलहाल तो मैंने वेनिला एसेंस डाला है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब एक टिन में, आप किसी भी टिन को ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए और बेकिंग पेपर लगा के इस पूरे मिक्सचर को डाल दीजिए। ये हमने मिक्सचर डाल दिया है। अब इसे मैं इडली स्टैंड में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, उसी तरीके से बेक करूँगी। इसे बेक होने में करीब 45 मिनट्स का समय लगा है। ये आपकी गैस के टेम्परेचर पे, आपके स्टैंड पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आप इसे ओवन में बनाएंगे तो 180 डिग्री सेल्सियस में इसे 30-45 मिनट के लिए बेक करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चॉकलेट के ऑप्शंस दिखा रही हूँ जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसका बेस्ट अल्टरनेटिव होगा। अब हम इसे आधा कुक करने के बाद थोड़ा सा डेकोरेशन और करेंगे। क्या होता है, जैसे ही केक पकने लगता है तो उसका डेकोरेशन अंदर चला जाता है, तो आप इसे हाफ कुक करके डेकोरेट कर लीजिए। ये देखिए करीब 45 मिनट के बाद हमारा ब्राउनी तैयार है, बहुत ही यमी डिलीशियस लग रहा है। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए चॉकलेट सॉस के साथ, एकदम यमी और टेस्टी लगता है। और हाँ, अगर आपको रेसिपी पसंद आई है ना तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और रेसिपी को शेयर कर दीजिए, ताकि इस गर्मा गर्म ब्राउनी के मज़े सभी ले सके। इस रेसिपी को बना के देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग द चैनल।